यही ब्रह्म जी का स्थान है। ठाकुर जी का जल चढ़ जाएगा, पात्र चढ़ जाएगा, वो बाबा हरिधाम का चढ़ जाएगा, पूजा हो जाएगा। जो बाबा हरिधाम का चढ़ेगा वो ठाकुर जी का नहीं चढ़ेगा, ठाकुर जी का चढ़ जाएगा वो बाबा हरिधाम का चढ़ जाएगा। हमारा नाम प्रभुनाथ सुंदर, यहाँ के पुजारी हैं आप? बस। आप कब से रहते हैं मंदिर पे? लमसम 75 से। 75 से हैं? 1975। हाँ। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? अब आपका स्थापना तो वहाँ आगे है। हाँ। वहाँ आगे है स्थापना है, बाबा का जन्मदिन है, कब तक बाबा का मृत्यु भी उनका है कि कब वो जन्म है कृष्ण में। ऐसा माना जाता है इस मंदिर बनवाए थे जो राजा 1728 ईस्वी में बनवाए थे, उस सब यहाँ पर है। हाँ। उस पर उनका बाबा का जन्म, बाबा का मृत्यु, बाबा का स्थापना। हाँ। कब बाबा का स्थापना हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु, सब उस पर लिखा हुआ है बताने का। उसमें अंदाज संख्या पर अंदाज से तो वहाँ सब है। हाँ। और वैसे हरिराम जो बाबा थे, हरिराम ब्रह्म बोला जाता है, इनका जन्म 1671 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1909 के आसपास हो गई थी। अच्छा, ये मंदिर की कहानी क्या है बाबा? वही कैसे मंदिर की स्थापना क्यों हुई? बाबा जो है ये ब्राह्मण है, दुबे खानदान के, और ये जो है सो बहुत कम उम्र में अपना तपस्या करना शुरू किए। तपस्या करने लगे तो बाबा के पास इतना ना शक्ति हो गया, थोड़े 35 वर्ष जिए हैं, 35 वर्ष की इनकी सारी कहानी खत्म हो गई है, समझे ना। तो बाबा के पास एक भैंस थी जो ऑटोमेटिक दूध देती थी। ऐसा बोला जाता है कि इस दूध में बिना चीनी डाले ही मीठा लगता, जो भी हो। और भैंस जो है यहाँ के, एक भैंस थी और दो कुत्ते थे, कुत्ते थे। और कुत्ते उस तरह के थे कि जंगली जानवर को भी शिकार करते थे, समझे ना। यहाँ के राजा थे राजा कनक शाही, जिनके गढ़ पर जो है सो हम बहुत कम समय में, हम लमसम करीब 60 का अंदाज है कि 1960 में वहाँ स्थापना हुआ है। इसी में 2 साल इधर चाहे उधर। क्या स्थापना हुआ? कॉलेज का, जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज चलता है अभी। हाँ। चल रहा है। हाँ। उसको ढा करके वहाँ कॉलेज बना दिया गया। हाँ। इसको गिरा का गढ़ था, बहुत बड़ा गढ़ था पर जो हरिराम इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज है यहाँ पर गढ़ था, राजा का गढ़ था, उसको गिरा कर इंटर कॉलेज बना दिया, इंटर कॉलेज बना दिया। वो राजा क्या किए कि उनके भैंस को और कुत्ते को ले लिए, भैंस को बस ले गए। जब पता लगा कि इनके कोई रहता है हमारे नगर में, मैरवा नगर में, जो भैंस रखा है बिना चीनी डाले ही मीठा लगता है, और उसके दूध से जो गरीब थे, बीमारी भी जिसको होती थी, थोड़ा सा पिला देने से वो हर जाता था, तो राजा बलपूर्वक आकर भैंस लेकर चले गए सैनिकों के मदद से। अब यहाँ पर जब जो बाबा थे हरिराम ब्रह्म जी, ये कोई तपस्या करने लगे। हाँ, तपस्या करने लगे। और तपस्या जब नहीं दिए, उसी समय जब भैंस मांगे और नहीं दिए राजा, तो क्या किए कि वो अनशन कर दिया। हाँ, तपस्या करने लगे, हवन भी करने लगे साथ में। हवन तपस्या किए, अनशन कर दिए। अनशन तो बस 21 दिन का, 21 दिन वही स्थान जो है बाबा का, वही जगह है। अब देखिए, यहाँ पर माना जाता है कि जब राजा कनक शाही जो थे, इनका हरिराम ब्रह्म का जो भैंस थी उसको अपने सैनिकों के द्वारा बलपूर्वक लेकर चले गए, तब बाबा गुस्से में, यही जो ब्रह्म जी का स्थान आप देख रहे हैं सामने, यहीं पर हवन किए और वहीं पर 21 दिन के लिए बिना खाए पिए अनशन पे बैठ गए, और उसके बाद उनके साथ में 2 कुत्ते भी बैठ गए हवन। अब 21वां दिन जो है उनके घर की एक लड़की आई और थोड़ा मुँह में दूध डाल दी घर की। हाँ, राजा की लड़की थी। हाँ। डाल दी तो उनका थोड़ा ऐसी होश हुआ, तुमने बहुत गलती कर दी, लेकिन यहाँ आप ही का जो है खानदान चलेगा। उस लड़की को इतना कह दिया, अरे कैसे दिन अपना प्रणाम किया। वो आई थी लड़की, वो भैंस का दूध लेकर आई बाबा को पिलाने के लिए।
तो बाबा वो पिए नहीं, लड़की से बोले, राजा की जो लड़की यहाँ पर आई थी उससे बोले कि बेटी मैं तो दूध अब पी नहीं सकता, तुम लोग ये नगरी छोड़कर अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से चले जाने के लिए बोले क्योंकि ब्रह्म बोले थे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ब्रह्म अग्नि में ये पूरा नगर समा जाएगा, ऐसे बोले। सुनिए पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। मरने के बाद वो काशी पहुंचे, काशी पहुंचने के बाद सुनिए ना, ये भी मान्यता है कि इनके मरने के बाद पहले जो कुत्ते हवन के अगल बगल बैठे थे वो भी हवन कुंड में कूद गए थे। हो गया, हम जितना कह रहे हैं उतना सुनिए, उस तरह बढ़ा सकते हैं, कोई कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो भी ठीक है। हाँ बोला जाता है। और जाने के बनारस चले गए प्रेत जमी में काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ के पास, प्राण त्यागने के बाद वहाँ गए। तो फिर पूर्व जो शरीर छोड़े थे, इतिहास यही मिलता है कि जो शरीर से जिस शरीर को त्यागे थे उसी शरीर में तपस्या कर रहे थे। तपस्या किए बहुत दिन तक, तपस्या के आने के मैंने तपस्या पूरा होने के 6 महीना साल भर या 2 साल पहले एक यहाँ का व्यापारी जो था गया था वहाँ बनारस व्यापार करने के लिए, सामान लेने के लिए। वो बाबा जो है गंगा से स्नान करके जा रहे थे विश्वनाथ जी के पास, और देखा वो व्यापारी, कहा कि सोचने लगा कि भाई ऐसा ही एक हमारे यहाँ मारवा में महात्मा थे, वो तो मर गए या फिर वही दिखाई देते हैं, कैसे बात है। बाबा तो जान गए, उसको रोक दिए, कहे कि क्या है बात, क्या क्या करें। तो कहा कि महात्मा जी आपके ही जैसे एक हमारे मारवा के महात्मा थे जो मर गए, आप हमें मालूम होता है कि आप ही हैं। बाबा कहे कि ठीक है हम ही हैं, इसमें दो राय हम ही हैं, और आप जा रहे हैं घर तो अपने गांव में जा करके कह दीजिएगा कि वहाँ से मारवा क्षेत्र को छोड़ दिया, छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाए, जो जाएगा जो जाएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, हमारा अब तपस्या पूरा हो गया है, हम आएंगे वहाँ राजा का विनाश करेंगे। वहाँ से एक लाख भरम दिए विश्वनाथ जी, कहे कि जा करके अब जो चाहे वो राजा को कर सकते हैं, राजा सब कोई नहीं होता है, तो पृथ्वी राजा जो तपस्या करता है लास्ट में भगवान से दर्शन पाने का समय होता है, उसमें कुछ गलती हो जाती है वही राजा होता है, राजा सबके मान कर नहीं है। और उस समय जो है बाबा के पास उतना शक्ति नहीं थी कि वो राजा को कुछ कर सके। बाबा आए यहाँ फिर यहाँ प्रेत दिन में आए, और प्रेत दिन में आने के बाद और राजा को कष्ट देने लगे धीरे धीरे धीरे, एक बार नहीं विनाश किए, धीरे धीरे राजा को कष्ट दे, कभी हाथी जिसमें हाथी रहते थे सब हाथी रहता था वो सब मर, घोड़ा घोड़साले मर गए, बाबा के परिवार भी मरने लगे धीरे धीरे, अरे राजा के परिवार भी धीरे धीरे, राजा कुष्ट हो गए। किसी सोखा पंडित को बुलाए राजा, कहे कि देखिए क्या बात है कि, तो सोखा ने कहा कि वो जो साधु महात्मा जो मरे हैं वही ब्रह्म हुए हैं, वही लग रहा है, अगर उनको मना लिया जाए तो हो सकता है कि आप ठीक हो सकते हो। सोखा लोग का पंडित लोगों का ये अनुमान था, मनाने के बाद अगर बाबा मान जाए तो ठीक हो सकता है। विधिवत अपना सामान बता दिया, और पंडित सोखा बताए कि इस सामान को जुटाइए। अब उसमें बाबा के 2 लड़के थे, कहे कि वो पंडित कहे कि बाबा के परिवार से अगर कोई आ जाए तो और अच्छा होगा, तो एक बाबा के लड़के आ गए हैं और सोखा दोनों मिल करके काम अपना घर में आंगन में जैसा घाड़ा में दूध को गर्माना शुरू कर दिए, और गर्मा करके उसी में बाबा कहे अपने लड़के के लड़का से कि यहाँ से चले जाओ, हट जाओ, राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं, धन संपत्ति की कमी नहीं है, जितना है उतना ही मैं अपना गुजर बसर करूँ। राजा का लड़का जो था बाबा का नहीं माने, लास्ट में जो है सो अपने लड़के का भी विनाश कर दिए। एक ही था उनका परिवार चलता है, एक ही परिवार से आज कितना हो गया। और जब घड़ा गर्म हो गया, दूध खूब गर्म हो गया, तो घड़ा उठ गया ऊपर, और ऊपर से घड़ा और सोखा के देह पर सारा दूध गिर गया। सोखा पंडित सब मर गए, राजा के अपना अपने एक लड़के का परिवार भी खत्म कर दिए, और पूरा जो है राजा के पूरा परिवार खत्म होने मरने के बाद राजा को मुआए या मुआ करके यही रहने लगे, यही अब प्रेत जोनी में यहाँ रहने लगे। प्रेत जोनी में थे यहाँ? हाँ प्रेत जोनी में। अब आप मनुष्य का शरीर नहीं था वहाँ, प्रेत जोनी था, प्रेत के रूप में रहने लगे। उसके बाद से बहुत दिन बीत गया, तो
हमारे पूर्वजों ने को पकड़े कहे कि हमारा स्थान आप लोग बांधिए, बांध करके पूजिए। उन लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, आप बरन हैं और हम लोगों के मान के आप नहीं हैं, कहीं गलती हो जाएगी हम लोगों से तो आप परिवार नष्ट कर देंगे, और पूजा पाठ में कहें और कुछ में कहीं गलती हो जाएगी हम लोगों से तो आप परिवार नष्ट कर देंगे। बाबा कहे कि नहीं, आप लोग यहाँ पर स्थान बांधिए, शक्ति के अनुसार जितना ज्ञान होगा उतना ही पूजा पाठ कीजिएगा, सुबह स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाइएगा, दूध फूल चढ़ाइएगा और जितना हो सके उतना हमारा ध्यान कीजिएगा, और विभूति उठा करके कोई आवेगा यहाँ आएगा उसको छुआ करके दे दीजिएगा, और इतना ही कर दी जाए बाबा कल्याण करेंगे। कल्याण तो हमको करना है, हम करेंगे, आप लोगों को एक माध्यम रख रहे हैं और आसान बांध कर पूजा करने के लिए। पुरानिया लोग घर के बांधे और कह दिए कि यहाँ परिवार मत रखिएगा, ब्रह्मचर्य के रूप में जब तक रहें यहाँ भूया सुतना है, ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मचर्य रखे, लहसुन प्याज मीट मछली मांस सब कुछ यहाँ नहीं, सदा भोजन बना करके खाइएगा, आप लोग रहिएगा, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कीजिएगा, और वही लोग आएंगे उसी लोगों से आप लोगों का आपके आप परिवार का पूरा खाता चलता, समझे ना। मैं जो लोग आएंगे आप भगवती उठा करके दे दीजिएगा, अरे बाबा इनके कल्याण कीजिए, कल्याण हमको करना है, वो लोग आएंगे तो यहाँ कुछ न कुछ देव ही करेंगे, कल्याण होगा तो देव ही करेंगे, उससे आप लोगों के परिवार चलेगा और इतना बचा करके रखिएगा और रहिएगा, सब वो बाबा का जो है वो लोग स्थान माने बने, हमको बाबा कह दे कि हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ थोड़ा सा गलती भी हो जाएगा आपके परिवारों से तो नहीं कुछ बिगाड़ेगा नहीं, स्थान बांध करके सर से 400 लमसम 500 वर्ष हो गया, और उसी समय से परिवार जो है बांध करके लोग पूछते हैं 400 वर्ष में कितने लोग आए, कितने लोग गए, परिवार के लोग कितने लोग मरे, कितने लोग उन्हीं के परिवार जो है सूझ रहे हैं, हम लोग तो बाबा सबको देते हैं करते हैं। यहाँ जो है लोग यहाँ क्या दुख लेकर आते हैं, यहाँ विशेष करके लोग आते हैं भूत प्रेत वाले, भूत प्रेत वाले आते हैं तो यहाँ उन लोगों का कल्याण होता है। अच्छा, ये जिनके शरीर पर भूत प्रेत आया हो, आया परेशान करता हो, और जिनके घर में भी मान्यता ऐसा है कि घर में भी भूत प्रेत होते हैं तो घर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, वो लोग भी आते हैं, कैसे हर लेते हैं बाबा, क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, बाबा का वहाँ आते हैं तो लोग माथा टेकते हैं, मिनती करते हैं, खेलते कितने तो यहाँ खेलती भी है, खेल करके बैठ जाती है, पंडा लोग बैठा देते हैं, पूजा पाठ जो होता है वो कह देते हैं कि दूध फूल बाबा के चढ़ता है तो जो इसको जो इच्छा होता है देता है, कोई दबाव नहीं है, समझे ना। वंश वाले लोग आते हैं ज्यादा, जिसको कोई वंश नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, वो लोग भी आते हैं अपने हर मनोकामना के पूर्ति के लिए, पूर्ण होता है 90%। सामने जो पोखरा है उसका क्या कहानी है? वो कहानी को पोखरा है, मंदिर के सामने कुंड आने का साधन नहीं था तो लोगों ने मिल करके पोखरा सामाजिक बोला जाता है कि कनक साई जी बनवाए, ना ना कनक साई जी के परिवार खत्म हो गया, बहुत बहुत दिन के बाद, बहुत वर्षों के बाद वो पोखरा बना, उसमें नौ इनार भी है क्या? इनार है उसमें, और जो उधर नदी से जुड़ा है, जुड़ा है, इनार है उसमें, नदी से जुड़ा है, इसमें 3-4 साल पहले पानी हम लोग छुपाने लगे साफ करने के लिए, तो 4-5 पंपिंग सेट लगा था, बहुत 4-5 दिन बीत गया तभी पोखरा का पानी नहीं सूखा, कि बहुत उसमें से पंडा लोग मिल करके कचरा उसमें से निकाले, कुछ बाहर से आकर के उसमें भर गया था मिट्टी वगैरह, लमसम 8-10 दिन तक पंडा लोग मिलकर पानी चलता रहा, थोड़ा सा पानी होता था जो खाली होता था उसको अपने हाथों से निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू किए, 8-10 दिन फेंकते रह गए, पानी कम हुआ जितना हो गया उतना साफ हुआ। जैसे कुंड वो बना है वैसे लगता है किसी राजा ने बनवाया है, ना ना अगल बगल गुफा की तरह भी बना है, अब बना है, और राजा कोई राजा नहीं बन रहा, स्थानीय लोग बनवाए, स्थानीय लोग, स्थानीय लोग की मदद से बना है, पंच के कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं अपने घर को लेकर? बहुत दूर, सब कोई सीमा नहीं है, कोई नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पूरा आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले तो दिल्ली तक लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं,
दिल्ली हाँ लखनऊ बनारस गोंडा बस्ती बहराइच ये सब लोग आते हैं और सभी लोगों का मनोकामना पूरा होता है। सबका मनोकामना यहाँ पूरा होता है। ऐसा भी है कि जो लोग एक बार आए फिर दोबारा आते हैं एक बार के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साल में एक बार हमेशा आते हैं। गोंडा बस्ती बहराइच लखनऊ ये सब आजमगढ़ समझे ना अयोध्या फैजाबाद ये लोग तो हमेशा आते हैं। हाँ उनका परिवार चलता रहता है। ये नहीं कि हम गए हमारी मनोकामना पूरी हो गई हम बंद कर देना परिवार वाले भी आते हैं। हाँ यही बात है जो बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए दर्शन करते हैं इच्छा होता है तो कुछ दे देते हैं नहीं इच्छा होता जाते कोई दबाव नहीं है कि नहीं आपको इतना ही देना है ये भी दबाव नहीं है। जिसको इच्छा हुआ दे दिया नहीं इच्छा हुआ अपने बाबा का आशीर्वाद लिया अपने घर गया। चलिए भाई ये मंदिर जो देख रहे हैं ये बहुत छोटा मंदिर था सामाजिक संपत्ति से बन गया। हाँ अभी भी आप देख रहे हैं साइड में दोनों साइड में एक यहाँ के डॉक्टर थे कृष्ण मोहन बाबू दोनों को सोरा भी 8-10 साल पहले का वही बनवाए दोनों साइड मोहन डॉक्टर बनवाए। हाँ इधर के वो बनवाए और दर्शन करने के आए तो लोगों ने कहा कि रोगो तो बनवा देने आर मलकाइन मलकाइन को रही तो मलकाइन के दिन मलकाइन बाहर के बनवा दे अरे तो कहे कि जाए तो अरे बनवा ले है लेकिन मलकाइन के लोग कह दिया कि रोगो तो अपने नाम पर बनवा दें आर मलकाइन के हाथ से कुछ ना तो मलकाइन है के बनवा दे लोग मदद किए इस मंदिर को बनवाने में। हाँ इस मंदिर को बनवाने में किया और वो जो है देख रहे हैं दोनों साइड में सो रहा है क्या है बाबा ऊपर इस पर कोई रहता नहीं गुंबज है गुंबज है। तो चलिए मंदिर को घुमा देते हैं पूरा। आइए आप हमारे साथ बने रहिए अब देख सकते हैं मंदिर का एंट्री द्वार है यहीं से जिसको आना होता है एंट्री करते हैं यहाँ पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर घंटा बजाने के बाद यही ब्रह्म जी का स्थान है ये सिवान जिले के घुटनी प्रखंड में पड़ता है हरिराम ब्रह्म स्थान बोला जाता है इसे। अब ये सिवान से 16 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है अरे उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है। अब यहाँ नेपाल के भी लोग आते हैं अब उत्तर प्रदेश से आप पंडित जी बता ही दिए कितने सारे लोग आते हैं गोंडा हुआ उधर लखनऊ हुआ बनारस से भी काशी से भी लोग आते हैं क्योंकि ये अपना शरीर यहाँ पर त्यागने के बाद एक काशी में जाकर वहाँ तपस्या किए थे काशी जी का। अब यहाँ पर देख सकते हैं चलिए इस ब्रह्म जो स्थान है आप देख सकते हैं जो बना है ब्रह्म जी का मिट्टी द्वारा बनाया गया है ऐसे ही होता है ब्रह्म जी का। अब आप देख सकते हैं इधर से लोग आते हैं यहाँ पर जल वगैरह माला वगैरह चढ़ाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं। अब इधर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो मंदिर है गणेश वगैरह जी का शंकर भगवान का ऐसे ऐसे सब पड़ा हुआ है और इधर जो रूम बना है सब पांडा वगैरह रहते हैं इसमें अरे स्थानीय लोगों द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर श्री राम जी का छोटा सा मंदिर है क्या ठाकुर जी हाँ ठाकुर जी का मंदिर है यहाँ पहले ठाकुर जी का राग भोग लगते हैं हाँ। उसके बाद बाबा हरिराम के भोग लगते हैं। पहले यहाँ पूजा होता है हाँ पहले पहले बाबा की है आते हैं दूर दूर से यात्री तो बाबा हरिराम से पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ पहले ठाकुर जी का पूजा करते हैं बाबा ठाकुर जी का जल चढ़ जाएगा पात्र चढ़ जाएगा वो बाबा हरिराम का चढ़ जाएगा पूजा हो जाएगा। जो बाबा हरिराम का चढ़ेगा वो ठाकुर जी का नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी का चढ़ जाएगा वो बाबा हरिराम का चढ़ जाएगा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त भी आ रहे हैं पूजा कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर जो कुंड है पोखरा है उसको हम दिखाते हैं आप लोग को। इस मंदिर का हवन कुंड है बजरंग बली का मूर्ति है यही जी से कराना होता है वो कराते हैं यही करना
हरिराम ब्रह्म स्थान की पंडा से जानकारी लेने के बाद आपको दिखा रहे हैं, ये कुंड में आए हुए हैं जो पंडा जी बता रहे थे, कुंड जो स्थानीय लोग बनवाए हैं। और वैसे तो हर गूगल में सर्च करने पर पता लगा कि इसे कनकी शाही जो राजा थे वो ये बनवाए थे। ये पोखरा जो देख रहे हैं और गूगल में जो लिखा है उसके हिसाब से कनकी शाही इस कुंड को बनवाए हुए थे। अभी जो पंडा बता रहे थे उनके हिसाब से यहाँ के स्थानीय लोग इस कुंड को बनवाए हुए थे। इसमें बोल रहे हैं कि ये बहुत गड्ढा भी है और 9 कुआं भी है इसमें, जो बगल में एक नदी है उसी से जुड़ा हुआ है। इसका पानी कभी भी सूखता नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से जो हंस हैं, 8 हंस बैठे हुए हैं। अरे कुंड भी दिखाया, वैसे तो देखने से लग रहा है पूरा, आप देख सकते हैं देखने से लग रहा है कि किसी राजा ने ही बनवाया था। एक किले की तरह पूरा दीवार इसका चारों ओर, थोड़ा इधर दिखाई, इधर आप देख सकते हैं किले की तरह पूरा इसका बाउंड्री बना हुआ है। ये वैसे किसी कनक शाही जो राजा थे उन्हीं का बनवाया हुआ ये लग रहा है। वैसे तो पंडा जी जो बोल रहे हैं और जो गूगल पे दिया है, इस दोनों में बहुत सारी अंतरें आ रही है। वैसे तो अब जो इसमें दिया है, भूत प्रेत से परेशान लोग ही यहाँ हरिराम ब्रह्म स्थान पर मैरवा में आते हैं। अब इसकी जो मान्यता है वो मैं बताता हूँ। जो एक मैरवा एक प्राचीन नगरी भी मानी जाती है जहाँ के शासक कनक शाही थे उस समय, और जो हरिराम बाबा की आप कहानी सुने उनकी, उनका जन्म 1671 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1909 के बीच माना जाता है उस समय हुआ था। वह चरवाहे के रूप में मैरवा में आए हुए थे, यहीं पर आए और वह एक गाय रखे हुए थे, 2 कुत्ता रखे हुए थे। जो गाय थी वो काफी मात्रा में दूध देती थी, जिस दूध में बिना चीनी डाले ही मीठा लगता था। इसकी खबर जब यहाँ के जो राजा कनक शाही थे, उनको भनक लगी इस भैंस के बारे में जो रखे हुए थे जो ब्रह्म गुरु थे। अब ये हरिराम ब्रह्म जी थे, वो भैंस को रखे हुए थे। अब राजा जी अपने सैनिक के बल पे इस भैंस को अपने महल में मंगवा लिए। वहां पर भैंस ले जाने के बाद यहाँ जो हरिराम ब्रह्म जी थे गुस्से में आ गए और अपने तपस्या में उतर गए और 21 दिन के लिए अन्न जल को त्याग दिए। और जहाँ पर आपको दिखाया अंदर में जहाँ पर ब्रह्म स्थान का मूर्ति बना हुआ है, वहीं पर हवन करने के साथ ही 21 दिन के लिए अंजल को छोड़ दिए। उसके बाद शायद इसी के बीच में राजा की लड़की आई थी भैंस का दूध लेकर, लेकिन वो पिए नहीं और राजा की लड़की को घर से जाने के लिए बोल दिए, जगह छोड़ने के लिए बोल दिए कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मेरे मरने के बाद ये नगर पूरा विनाश हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, यहाँ पर मर गए। इसके बाद इनकी आत्मा चली गई काशी, बॉडी के साथ वहाँ जो इनका शरीर था यहाँ पर त्यागने के बाद आत्मा वहां चली गई। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां कुछ लोग उन्हें देखे थे काशी में, काशी विश्वनाथ जी का वहीं पर पूजा की। और जब काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद इन्हें मिला तब यहां पर फिर वो मैरवा में आए। और यहां पर आने के बाद ये मंदिर का निर्माण 1728 ईस्वी में करवाए थे। उसके बाद यहां पर बहुत कुछ कहानी जो पंडा बता रहे थे वो आप सुने ही है, उसी के आधार पर ये पोखरा भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो अंदर तो जाने का अब रास्ता है या नहीं जा नहीं सकता। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मानता है कि 9 कुआं था जो नदी से लिंक है, अंदर अंदर इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। यहाँ के पंडा भी प्रयास किए थे पानी निकालकर साफ करने के लिए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। अब चलिए, इससे ज़्यादा इसकी कहानी तो पूरा पंडा से भी और मैं गूगल से भी सर्च करके आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मैं मनिंदर सिंह कैमरामैन कन्हैया के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।